मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ कर नीतीश जी अंतिम में आपसे मैं भीख मांगता हूं, अब आपका लास्ट है, प्लीज़ आप बिहार के 14 करोड़ लोगों से रायशुमारी करिए। ये जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं जिन्हें आप अभी सुन रहे थे। आखिर इन्होंने नीतीश कुमार जी के सामने हाथ जोड़ने की बात क्यों कही? उन्होंने क्यों कहा कि 14 करोड़ जनता से रायशुमारी कीजिए? दरअसल ये अमसारी गांव में पहुंचे थे जहां इन्होंने शराब कांड में मृत व्यक्तियों के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मुलाकात के बाद यह पत्रकारों से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जिनको सुनना और उन पर विचार करना आपके लिए बेहद आवश्यक होता है। आप इनकी बातों को सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए कि इन्होंने जो कहा वह सही कहा अथवा गलत, और क्या इस पर सरकार को अमल करना चाहिए। बच्चों को मारने तो हम नहीं देंगे। प्रयागराज में ढुक के मारे तुमने बच्चों को, हम तो मरने तो नहीं देंगे। जो राइट है उसको लेके रहेंगे। हाईकोर्ट जा रहे हैं कल और उसके बाद गवर्नर हाउस। ये झूठा बेईमान फर्जी सरकार 10 लाख नौकरी नहीं देने वाली, शराब के नाम पर शराब शराब शराब, थाने को सिर्फ शराब में लगा दिया, सारे प्रशासन को सुरक्षा गायब। क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है? क्यों चार्जशीट नहीं होता है? क्यों कॉमन आदमी की सुरक्षा नहीं होती है? डेली मर्डर। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ कर नीतीश जी अंतिम में आपसे मैं भीख मांगता हूं, अब आपका लास्ट है, प्लीज़ आप बिहार के 14 करोड़ लोगों से रायशुमारी करिए कि शराब पर एजुकेशन और हेल्थ पर क्या चाहता है। और दूसरा, सभी पार्टी के छोटे बड़े नेताओं को बुलाइए और पंचायत के जनप्रतिनिधि से भी राय लीजिए कि क्या शराब के तरीके बदल दीजिए, आप जहरीली शराब ना मिले, अनुमंडल और प्रखंड में या होटल में आप शराब चलाने का एक तरीका बदलिए। शराब को पुनः चालू करने की बात कर रहे हैं? हम शराब चालू करने के तरीके पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जहरीली शराब मरते दम पर संकल्प लीजिए नहीं बने, कैसे होगा वो? लेकिन इंग्लिश शराब होगा कैसे? और अंत में फिर वही बात कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ा रहे और हम लगातार इस तरह के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहें।